नमस्कार, आर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए एक मैं डिज़ाइन लेके हूँ, बिल्कुल सिंपल। एक सिलाई का बुनती है। आगे मैंने आपको ये कट पाने सिखाए थे बॉर्डर, अब आपको ये मैं डिज़ाइन सिखा रही हूँ। ये बिल्कुल सिंपल है, ये देखो। ऐसे सीधे सीधे से बना सकते हो। मैंने बीच में दो दो सिलाइयाँ की सीधी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ डाल ली है। आप सीधी सीधी भी डाल सकते हो। ये बिल्कुल सिंपल है, एक सिलाई का ही डिज़ाइन है, बिल्कुल सिंपल। आप स्वेटर पे, शॉल पर, बच्चों के कहीं भी डाल सकते हो। इसका बॉर्डर भी बना सकते हो, डिज़ाइन भी बना सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। चलो आपको बनाना मैं सिखाती हूँ। एक सिलाई का डिज़ाइन है, ये देखो। मैंने थोड़े से फंदे डाले हैं। पहले फंदा सीधा उतार लेना, फिर तीन फंदे सीधे, एक फंदा उतारना, फिर तीन फंदे सीधे, एक फंदा उतार लेना, एक तीन सीधे, एक फंदा उतार लेना, फिर तीन फंदे सीधे। इतना ही डिज़ाइन है, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। पूरी उल्टी डालनी। उल्टी सिलाई में कुछ नहीं करना। जो स्टॉल पर, मफलर पर बॉर्डर भी बना सकते हो, जेंट स्वेटर भी बना सकते हो, लेडी स्वेटर पे भी कहीं भी डाल सकते हो। बहुत सिंपल है और बहुत सरल। बिल्कुल सिंपल। अब इस फली फली ये बन के आ गई ना, देखो मोटी मोटी, ये देखो। आपको बहुत नज़दीक से दिखा रही हूँ, ये देखो मोटी मोटी फली बन के आ जाती है। एक बार आपको फिर दिखा देती हूँ। आप बीच में डालना चाहो तो दो सिलाइयाँ उल्टियाँ भी डाल सकते हो, सीधियाँ भी डाल सकते हो, जो आपको सुविधा लगे। सीधा बुनना, सीधा ही बुन सकते हो, ऐसे बिल्कुल सीधा भी। मैंने इतना इतना बना के ऊपर सीधे उल्टा डाला। एक बार फिर आपको दिखा देती हूँ। पहला फंदा उतारा, फिर तीन फंदे मैंने सीधे बुन लिए। तीन फंदे सीधे बुन के फिर एक फंदा ऐसे उतार लेना, फिर एक, दो और तीन, फिर फंदा ऐसे उतार लेना, फिर एक, दो और तीन, फिर फंदा ऐसे उतार लेना, फिर तीन फंदे सीधे। बिल्कुल सिंपल है, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। उल्टी सिलाई में कुछ नहीं करना। जो सीधा फंदा आपने एक फंदा उतारा था ना बिना बुने, उसको भी हमने उल्टा ही बुन जाना है। बिना बुने उतारना वो फंदा। मैंने तीन तीन फंदे बनाए हैं, आप पांच पांच फंदों के बाद भी कर सकते हो, सात फंदों के बाद भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। ये देखो, आप जरूर बनाना, बच्चों के बनाना, बड़ों के बनाना, किसी के भी डाल सकते हो डिजाइन। आप वीडियो देखो और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।